हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी धूमधाम से रामनवमी का त्यौहार मनाया जाना है। इसी के तारतम्य में आज खजुराहो के चिल्ड्रन पार्क के सामने बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में खजुराहो के गणमान्य लोग मौजूद रहे और सभी ने भगवान रामनवमी की शोभा यात्रा के निकाले जाने के संबंध में अपने अपने विचार रखे। आज की इस बैठक में योगेंद्र सिंह चंदेल, पंडित सुधीर शर्मा, रामराजा अर्जरिया, अवधेश तिवारी, एडवोकेट वीरेंद्र तिवारी, चाली राजा सिद्धार्थ सोनकर, परशुराम तिवारी, आनंद चतुर्वेदी, गणेश अवस्थी, अंकित सिंह परिहार, नीलेश अवस्थी, अखिलेश शुक्ला, बबलू अग्रवाल, राम पांडे, दिनेश गौतम, गोपी मिश्रा, शिवम परिहार, राजेश सिंह, गोलू चंदेल, संदीप सिंह परिहार आदि मौजूद रहे। खजुराहो के सभी जनमानस और बुद्धिजीवियों द्वारा अब की बार उत्साह कुछ ज़्यादा नज़र आ रहा है, क्योंकि भगवान मतंगेश्वर का नाम 18 ज्योतिर्लिंगों में आने के बाद उत्साहित रोली के बाद ये दूसरा त्यौहार रामनवमी का त्यौहार 30 तारीख को बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा। यह कार्यक्रम जो सभी हमारे युवा भाइयों ने जिसकी रूपरेखा जो बनाई है, यह कार्यक्रम सभी के घरों में अपने अपने घरों की सजावट करके पूरे खजुराहो को सजाया जाएगा और 11 दिन का मनाया जाएगा। जैसा आप सभी को पता है कि हर वर्ष पूरे भारत में रामनवमी के उत्सव पर साज सज्जा होती है और यात्राएं होती हैं, शोभा यात्रा निकलती है, तो उसकी शुरुआत जो हमेशा कुछ दिनों बाद होती थी, नवरात्र प्रारंभ होने के बाद हुआ करती थी, इस बार हमारा प्रयास है कि नवरात्र के पहले दिन से ही पूरा खजुराहो सज जाए, पूरे खजुराहो में जागरूकता आ जाए कि हमारी तैयारियां चल रही हैं, और इस प्रकार हमारा जो प्रयास है कि पूरे खजुराहो का सहयोग लेकर इस बार की रामनवमी को हम अधिक से अधिक भव्यता प्रदान करें, उसके संबंध में आज हम सभी लोगों ने बैठकर एक बैठक की है और इस बैठक में जो महत्वपूर्ण निर्णय थे वो निर्णय हम सभी ने रामनवमी के संबंध में लिए।